हेलो दोस्तों माई सेल्फ संदीप डांगी टीम जूलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है उम्मीद करता हूँ होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे तो अपना माइनर पांच चौदह में से आज अपन इसके बारे में जुलोजी के पेपर में डिस्कस करेंगे 91 is, of one of one जो अपने पास ब्रेन होता है उसके तीन पार्ट रहेंगे जो ब्रेन होता है उसके तीन पार्ट होते हैं फोर ब्रेन यानी कि अगर मस्तिष्क मिड ब्रेन कि मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन मतलब पश्चिम ये तीन पार्ट होते हैं और हाइंड ब्रेन हो गया उसके तीन पार्ट होंगे दोस्तों एक तो होता है उसके पास पासम <coughs> एक तो होगा उसके पास सेरेबेलम एक होगा मेडुलाटा और एक होगा पोन्स तो यहाँ पे अपने पास केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है कौन सा अनुमस्तिष्क यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो 91 में फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 92 क्वेश्चन व्हेन ए इज़ इन रेस्टिंग स्टेट नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स द एक्नोमल मेम्ब्रेन इज जब एक न्यूरोन विश्राम स्थिति में होता है अर्थात तो उसमें आवेग संचरण नहीं होता है तो उसकी एक्जोनोल झिल्ली होगी तो अपने पास एक न्यूरॉन के अंदर काम करने के टाइम पे या एक्जोलेमा के टाइम पे तीन स्थिति बनती हैं तीन पोजीशन बनेंगी ये है अपने पास तो जो बाहर की तरफ होगा वहां पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज और एक बार रहता है अंदर नेगेटिव चार्ज तो जब बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा और अंदर की तरफ चार्ज नेगेटिव रहेगा उसे क्या कह देते हैं पोलराइजेशन जहां पे वो फंक्शनल नहीं रहेगी और वो विश्राम यानी कि रेस्टिंग फेज के अंदर प्रेजेंट रहेगी एक्जिमा जब उसके पास बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज रहेंगे लेकिन जब वो डीपोलराइज होती है यानी कि विद्रोहित तो अवस्था में फंक्शनल होगी डीपोलराइज तब उसके पास बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होंगे और एक होता है अपने पास रिपोलियराइज रिपोलियराइज तो रिपोलराइज के अंदर अंदर की तरफ पॉजिटिव सॉरी अंदर की तरफ नेगेटिव और बाहर की तरफ पॉजिटिव तो इस टाइम पे होगा क्या ये जो अपने पास एक्जुलेमा होती है पोलराइज कंडीशन के अंदर यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर है इस टाइम पे पोटेशियम के लिए ज्यादा प्रीमिएबल रहेगी किसके लिए पोटेशियम के लिए ज्यादा प्रीमिएबल रहेगी कंपैरिजन किसके सोडियम के और एन के लिए थोड़ी कम परमिबल रहेगी कम पारगम्य होती है polarization के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन तो तो होगा फिर 93 थ्री आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच तो यूनिपोलर न्यूरॉन इसमें से अपने को बताने कि कौन सा सही है कौन सा गलत है यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में बात करें तो यहाँ प्रेजेंट रहेगा

तो जो मल्टीपोलर न्यूरॉन होगा उसके अंदर एक एक्सोन प्लस मोर देन वन डेंड्राइट्स होते हैं मोर देन वन डेंड्राइट्स तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया अपना पास थर्ड सही हो गया और इसका एग्जाम्पल कोर्टेक्स जो डोर्सल रूट होते गैंग्लिया की वो इसका एग्जाम्पल रहेगा तो इसके अंदर फर्स्ट भी सही और थर्ड भी सही है तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा उसके बाद में बात करें, 94 के बारे में, 94 question, involved, के होता है so, plus, plus, तो कैल्शियम और क्लोराइड को तो कोई सी नहीं रहेगा तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले से रोंग हो जाएगा अब जब डिपोलराइजेशन होगा तो उस टाइम पे क्या होता है सोडियम अंदर की तरफ आएगा तो इसे ये क्या होगा एन ए अंदर की तरफ गए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास सेकेंडेशन हो जाएगा डिपोलराइजेशन के टाइम पे जो नर्व्स रहेंगे वो क्या होती हैं एक्टिव कंडीशन के अंदर आ जाती हैं और इंपल्स का कंडक्शन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे मसल्स की तरफ लेके जाएंगी तो यहाँ पे अपने पास बात करें 94 के अंदर सेकंड ऑप्शन होगा वो सही होगा 95 95 प्री एक्साइटेशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन

उसके बाद में आएगा अपने पास जिसे एक्टिव पोटेंशियल कहेंगे वो होता है अपने पास 30 30 से लेके 45 मिली वोल्ट और फिर आता है अपने पास हाइपर पोलराइजेशन या रिपोलराइज सॉरी रिपोलराइजेशन आएगा तो यहाँ पे बात करें अपने पास कोई भी एक्साइट हो होने से पहले जो कंडीशन होगी वो सी कंडीशन होती है पास हो तो नाइनटी में फोर्थ ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन 96, 96 के बारे में बात करें यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ ए नरोक्ट तंतु में तंत्री का आवेग का संचरण एक दिशा होता है क्योंकि अपने को पता है कि जो न्यूरॉन्स होती हैं, वो आवेगों का जो सेवन करेंगी कंडक्शन करती हैं, ट्रांसमिशन करती हैं, वो एक डायरेक्शन के अंदर करती हैं, यूनिडायरेक्शनल कहते हैं जिसको अपन ठीक है वो किसकी वजह से होता है वो पूछा है यहाँ पे नरो फाइबर इज इंसुलेटेड बाई मेडुलेट्री सीट ये क्या हो गया यहाँ पे रोंग हो गया कि मतलब ये इसकी वजह से नहीं होता क्योंकि अगर जो मेडुलरी सीट रहेगी माइलिन सीट प्रजेंट रहेगी तो भी नरो का कंडक्शन होता है और एबसेंट रहेंगे तब तो भी क्या हो जाएगा नरो का कंडक्शन होगा वो वहाँ पे उसकी स्पीड पे जो होगा वो इस पर इफेक्ट पड़ेगा जब माइलिन सीट प्रजेंट रहेंगे तो वो क्या हो जाएगी इम्पल्स की जो स्पीड रहेगी वो क्या हो जाएगी फास्ट हो जाती है अदरवाइज वो क्या रहेगी एबसेंट रहेंगे तो वो स्लो हो जाएगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई नहीं करेगा

तो अपने पास कौन सा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 96 के अंदर फिर बात करेंगे अपन 97 के बारे में नरो इंपल्स आर इनिशिएटेड बाय नरो फाइबर्स ओनली व्हेन द मेम्ब्रेन सेल बिकम्स मोर परमेबल टू तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति तंत्रिका नंतु में केवल तब होती है जब जिल्ली निम्न में से किसके लिए दिगपार्गे पारगम्य होगी तो जब डीपोलराइजेशन होता है उस टाइम पे सोडियम क्या होगा ज्यादा आएगा और सोडियम के वजह से क्या होता है पोलराइजेशन चेंज हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आएगा सोडियम आयंस जाएगा तो 97 में थर्ड ऑप्शन जाएगा 98 द फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड दो न्यूरॉन्स के बीच क्रियात्मक

ठीक है सी के बारे में बात करें तो सी क्या होगी यहाँ पे स्वान सेल्स होते हैं क्या होती हैं स्वान सेल्स होंगी स्वान सेल्स जो कि माइलिन सीत का फॉर्मेशन करेंगी डी के बारे में बात करें तो डी के बारे में जब दो माइलिन सीत के बीच में जो स्पेस रहेगा उसे नोड ऑफ रेनवियर कहेंगे क्या कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं उसको रेनवियर नोडो फ्रेनवियर कहते हैं इसको फिर ये आएगा इको क्या कह देंगे अपन सिनेप्टिक नोब कह देंगे जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होती है और सिनेप्टिक वेसिकल क्या होंगी जिसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर भरे रहेंगे तो यहाँ पे अपने पास कौन सा ऑप्शन जाएगा डेंड्राइट साइटोन सेल बॉडी स्वान सेल्स नोड सिनेप्टिक नोब सेकेंड ऑप्शन सही होगा अपने पास

तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जाएगा वन हंड्रेड में फर्स्ट ऑप्शन जाएगा फिर बात करें अपन जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द इलेक्ट्रिकल स्नेप्स अपने पास दो प्रकार के स्नेप्स रहेंगे एक तो केमिकल स्नेप्स रहते हैं और एक रहेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर

विद्युत धारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिनेप्स के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित हो सकते हैं बिल्कुल सही है क्योंकि उनके बीच में जो स्नेप्टिक डिले होगा वो क्या रहेगा एबसेंट रहेगा तो ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट भी भी क्या होगा होगा पास ट्रू सेकंड थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करें ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल इज वेरी सिमिलर टू तो इंपल्स कंडक्शन अलोंग सिंगल एक्जोन विद्युत स्नेप्स में आवेग संचरण एक एकल एक्जोन में आवेग संचरण के लगभग समान होता है ये स्टेटमेंट क्या होगा एकदम सही है ट्रू है ये

इलेक्ट्रिकल आर रेयर इन आवर सिस्टम ये जैसे दो प्रकार के रहेंगे chemical और इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल के नंबर क्या रहेंगे अपने के 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 के. अंदर ज़्यादा रहते हैं. किसके किसके में में जो नंबर है, के, वो क्या क्या रहेंगे रहेंगे कम तो भी अपने पास ट्रू हो गया यहाँ पे एक स्टेटमेंट रॉन्ग है कौन सा अपने पास फोर्थ तो यहाँ पे एक है ओनली फोर्थ तो वन जीरो वन के अंदर थर्ड ऑप्शन होगा वन जीरो टू यू आर वॉचिंग ए हॉरर मूवी एंड यू नोटिस योर हार्ट इज बीटिंग फास्ट एंड माउथ इज ड्राई बिकॉज ऑफ आप एक ड्रावनी फिल्म देख रहे हैं तथा आप यह महसूस करते हैं कि आपकी हृदय तीव्रता से स्पंदन कर रहे हैं हार्टवीट क्या होगी हाई होगी तथा मुख शुष्क है मुख में पानी जो सलेवा का हो गया कम हो गया इसका कारण क्या होगा तो अपन बात करें फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स से जैसे अपन बात करें जब अपने को डर वाली कंडीशन होती है फिर एडवर्स कंडीशन होती है उस टाइम पे अपने पास होता है हार्मोन होगा कौन सा हार्मोन सिक्रिएट होगा एडेन हार्मोन एडेन जिसे अपन क्या कहेंगे फाइट फियर फ्लाइट और फाइट वाले हार्मोन कंडीशन के नाम से भी जानते हैं या डू डाई हार्मोन के नाम से भी जानेंगे तो इस स्टेटमेंट क्या हो गया अपने पास सही हो गया फर्स्ट सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम तो सिंपेथिक नर्वस सिस्टम होगा वो क्या करेगा वैसे तो सिंपेथिक नर्वस सिस्टम होता है एएनएस के दो पार्ट रहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट रहेंगे अपने पास कौन कौन से सिंपेथेटिक एस एन एस और पैरासिंपीएसएनएस पैरासिंपेथिक नर्वस सिस्टम तो एएनएस के एस का नॉर्मली फंक्शन क्या होता है किसी भी रिएक्शन को या किसी भी स्टिमुलेशन करना

ये सीएनएस के चारों तरफ प्रेजेंट रहेगा इसलिए इसको क्या कह हैं आउटसाइड द सीएनएस तो 103 के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा 104 द पॉइंट एट विच द टर्मिनल बटन एंड अनोदर न्यूरॉन कम्युनिकेट इज कॉल्ड कॉल्ड कम्युनिकेशन हियर इज मेड पॉसिबल बाय द रिलीज ऑफ तो होता है अपने पास सिनेप्टिक नोब रहेगा क्या रहेगा सिनेप्टिक नोब रहेगा सिनेप्स

न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर तो यहां पे 104 के अंदर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 104 के अंदर नेक्स्ट 105 मैच द फॉलोइंग अपने को मैच करना है निसल्स ग्रेनुल्स, निसल ग्रेनुल्स कहां पे प्रेजेंट रहेंगे साइटोन में डेंड्रॉन्स में और डेंड्राइट्स में प्रेजेंट रहेंगे तो फर्स्ट में कौन सा जाएगा? आ जाएगा डी आ जाएगा फर्स्ट में डी आ जाएगा

ब्रेन एक्ट द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मस्तिष्क हमारे शरीर में आदेश नियंत्रण की तरह कार्य करता है अपनी बॉडी को जो कंट्रोल करेगा या बॉडी की जो एक्टिविटी होती है, उनको रेगुलेट करने के लिए आता है आएगा। तो ये क्या हो गया, गया। चलो ठीक है मस्तिष्क हमारे शरीर की लय को भी नियंत्रित करेगा ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया सही हो गया से एसोसिएशन मेमोरी एंड कम्युनिकेशनशनएस अंतरिता स्मरण संपर्क सूत्र भी सीएनएस के ही कार्य होते हैं येटमेंट भी क्या हो गया अपने पास? सही हो गया थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट फोर्थ के बारे में बात करिए सी एन एस इज डिडेड इंटू टू डिजन कोल्ड सोमेटिंग और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि एक्चुअल में किसके सोमेटिक और जो ऑटोनोमिक पार्ट होते हैं वो किसके होते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट रहेंगे

और मिड ब्रेन पार्ट की इसके अंदर क्या होता है ये विजुअल और ऑडिटरी मतलब जो अपन देखते हैं और सुनते हैं उसके लिए क्या करेगा ये रिफ्लेक्शन करवाने कर, करवाएगा तो वन जीरो सेवन के अंदर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 108 जीरो एट गिवन बिलो द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्च इफेक्टर ऑर्गन इंटर मोटर न्यूरोन सेंसरी न्यूरोन सेंसरी रिसेप्टर अरेंज दीज इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट फॉलो सेंसरी रिसेप्टर स्टूमुलेशन मतलब अपने को पांच स्टेप दे रखे हैं और अपने को बताना है कि इनमें सबसे पहला स्टेप कौन सा रहेगा सेकंड स्टेप कौन सा रहेगा ये सब जब अपने को मिलते हैं उस टाइम पे तो सबसे पहले बात करें अपने यहाँ पे कि अपने पास क्या क्या दे रखा है इफेक्टर ऑर्गन दे रखा है इंटरन्यूरोन दे रखा है मोटर न्यूरोन देखा है सेंसरी न्यूरोन और सेंसरी रिसेप्टर तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं तीन टाइप की न्यूरोन होती है अपने पास सेंसरी मोटर और उसके अलावा सेंसरी मोटर और इंटरन्यूरोन ये रहती है जिन्हें मिक्स भी कहेंगे अपन तो जो सेंसरी न्यूरोन होती है ये तो कहाँ से होती है ऑर्गन से लेके ऑर्गन टू ब्रेन मतलब ये ऑर्गन से क्या लेके आती है मैसेज लेके आएंगे कहाँ तक ब्रेन के पास लेके आएंगी और जब मोटर न्यूरोन किसे कहेंगे जो ब्रेन से लेके कहा तक प्रेजेंट होती हैं ऑर्गन तक प्रेजेंट रहेंगी ठीक है और इंटरन्यूरोन कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी जो तो सेंसरी और मोटर दोनों के बीच में प्रेजेंट रहेगी इस टाइप से उसे क्या कह देंगे अपने इंटरन्यूरोन कह देंगे फिर ऐसी सेंसरी का भी कैरेक्टर रहेगा और मोटर का भी न्यूरोन कहलाती थी है ठीक है अब बात करेंगे तो रिसेप्टर होंगे तो फिफ्थ नंबर होगा रिसेप्टर फिर उस रिसेप्टर से क्या निकलेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स निकलेंगी तो सेंसरी न्यूरॉन का, का, का नंबर कौन सा है फोर्थ नंबर आएगा फिर फिर वो कहां पे जाएंगे अपने पास इंटरन्यूरोन के पास जाएंगे कहां पे जाएंगे

हाँ ये रोंग हो गया फिफ्थ फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड ऑप्शन जाएगा 108 के अंदर 109 सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज सेरेब्रो स्पाइनल द्रव उपस्थित होगा तो अपने पास जो क्रेनियल होगा उसके अंदर कितने लेयर रहती हैं तीन लेयर रहती हैं बाहर की तरफ ड्यूरल मैटर रहेगी फिर अरेक्नोइड रहेगी और फिर क्या रहेगी पियमेट रहती है ठीक है तो पाया मेटर और अरेक्नोइड के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहता है जिसे अपन क्या कहेंगे अरेक्नोइड स्पेस कहेंगे क्या कहेंगे अरेक्नोइड कहेंगे अरेक्नोइड स्पेस स्पेस और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा दोस्तों सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे अपने पास कौन सा जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जाएगा बिटवीन पाया एंड अरेक्नोइड मेटर वन के अंदर सेकेंड ऑप्शन वन टेन

तो सेकेंड किस -किस ऑप्शन तो क्या होगा रोंग हो गया तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया और इसी के साथ अपना क्या होगा ये स्टेटमेंट ये आंसर आ जाएगा इसके अंदर वन वन के अंदर फिर बात करेंगे अपन ट्रिपल वन के अंदर Membrane, is by, जो एक होती है, वो फंक्शन करेगी उस टाइम पे जो पोटेंशियल रहते हैं जो उसकी जो मेम्ब्रेन की पोलरिटी चेंज होती रहती है वो किसकी वजह से चेंज रहेगी वहाँ पे एक चैनल पंप प्रजेंट रहेगा सोडियम पोटेशियम पंप प्रजेंट रहेगा कौन सा पम्प सोडियम पोटेशियम पम्प तो वहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम उसके थ्रू क्या रहेंगे अंदर बाहर होते रहेंगे और इसके लिए यहाँ पे एक ए का यूज होता है एक बार साइकिल के टाइम पे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ट्रिपल वन के अंदर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कैटेगरी ऑफ नर्वस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्राइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्वस फाइबर्स गैंग्लिया एंड प्लेक्सस बाय विच इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवोल्यूट्री ऑर्गन्स एंड वाइस वर्सा तंत्रिका तंत्र के कौन से वर्ग में तंत्रिकाएं तंतुओं गुच्छकों तथा तो जालिकाओं का पूरा समूह शामिल है जिससे आवेग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनिच्छिक अंगों तक गति करता है इसका विपरीत कौन सा होगा तथा तो इसका विपरीत तो अपन बात करें अपन जो सीएनएस के जस्ट विपरीत कौन सा होगा एटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा जो कि क्या करेगा अनिच्छिक यानी कि जो इनवॉल्ट्री मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स होंगी जिन जिनपे अपना कंट्रोल नहीं होता है उस पर क्या करेगा वो फंक्शन करेगा तो यहाँ पे कौन सा जाएगा

यहाँ पे देखा गिवन बिलो इज टेबल कंपेयरिंग द इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फॉर फोर फीचर्स विच वन फीचर इज करेक्टली डिस्क्राइब तो इसको बताने से पहले मैं बता दूं अपने पास दो सिस्टम रहता है कौन कौन से एक तो सिंपैथेटिक रहेगा और एक कौन सा रहेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये दो सिस्टम रहेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा इसका एक्चुअल में फंक्शन होता है किसी भी एक्टिविटी को बढ़ाना ठीक है

और स्टोमक के अंदर किसका पार्ट रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का और एसिडेट का मतलब होता है उसको वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा कौन नर्वस तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया तो वन वन फोर के अंदर फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा वन हंड्रेड फिफ्टीन क्वेश्चन के बारे में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंडीशनल रिफ्लेक्स यानी कि प्रतिबंधित प्रतिक्षेप का उदाहरण है मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर अपने जैसे अपन फूड को देखेंगे तो माउथ होता है इसके लिए फिर बात की क्लोजिंग ऑफ आई जो बीइंग अप्रोच बाय एन ऑब्जेक्ट जब अपनी कोई इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी आंखों की तरफ आएगा अपने को लगेगा कि अपनी आंखों के अंदर इसकी एंट्री होने वाली है तो अपनी आंखें क्या करती हैं उनको

मतलब प्लेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संगीत उपकरण को बजाना तो अपन क्या करेंगे संगीत उपकरण को खुद जाके बजाएंगे, जाके बजाएंगे उसको प्लेइंग करवाने की कोशिश करेंगे तो वो किसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होगा वो ठीक है तो वन -वन के अंदर कौन सा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहां पर एन का डायग्राम दे रखा है और अपने को बताना है इसमें क्या होगा तो बात करें अपने पास से जो ए होगा मतलब जो इफेक्टिव ऑर्गन से मैसेज लेके जाते हैं कहाँ तक ब्रेन तक लेके जाएगी वो कौन सी पाथवे होगा अफेरेंट पाथवे होगा ठीक है अफेरेंट पाथवे होगा फिर बाद में बात करेंगे अपन इसमें ये जो सी वाला पार्ट रखा है यहाँ पे क्या है मतलब किसने अपने को बाहर से स्टिमुलेशन दिया तो इसे क्या कहते हैं मसल्स स्पिंडल कहते हैं इसको क्या कहेंगे मसल से इस स्पिंडल कह देंगे इसको स्पिंडल इस मसल से स्पिंडल कहते हैं इसको जबकि जो अपने पास से ए वाला पार्ट रहेगा ए क्या वाला वापस लेके आ रहा है ब्रेन से लेके आ रहा है तो उसे क्या कह देंगे अपन ए वाले पार्ट को सॉरी ब्रेन के पास लेके जा रहे हैं तो उसे क्या कह देंगे अपन अफेरेंट कहेंगे और जो ब्रेन से दूर लेके जाएगा उसे क्या कह देते हैं अपन इफेरेंट कहेंगे तो यहाँ अपने पास जो ग्रे मैटर है यहाँ पे ये जो देखा दे रखा है ये क्या है अपने पास दोस्तों जो ग्रे मैटर इसके पास ब्रेन ये जो न्यूरॉन्स होती हैं वो लेके जा रही हैं तो ये कौन सा पाथवे हो गया पाथवे हो गया और ये अपने पास एक अफेरेंट पाथवे और मसल स्पिंडल तो वन हंड्रेड सिक्सटीन के अंदर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा फिर बात करेंगे अपनेटीन ए डायग्राम सोविंग एक्जोन टर्मिनल एंड सिनेप्स इज गिवन आइडेंटिफाइड करेक्ट एटलीस्ट टू ऑफ ए टू डी मतलब इसमें से चार दे रखे हैं अपने को ए बी सी डी उनमें से दो को अपने को मैच करवाना है कि कौन सा होगा तो सबसे पहले बात करें अपने पास सी क्या है यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं क्या है सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ठीक है और जो अपने पास ए है ए क्या हो जाएंगे यहाँ पे रिसेप्टर हो जाएंगे रिसेप्टर हो जाते हैं डी प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो जाएगी और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहेंगे बी के अंदर तो यहाँ पे बात करें ए क्या है अपने पास रिसेप्टर है

बी है बी किसको रिप्रेजेंट करेगा कार्पस केलोसम को रिप्रेजेंट करेगा सी किस को रिप्रेजेंट करेगा डी रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ पे देखेंगे तो एकबुलर हेमस्पेयर ठीक है बी स्पैनल कोड हो गया गलत हो गया ये पहले से ही गलत है सी बच गया थर्ड ऑप्शन बच गया अपने पास तो वन वन एट के अंदर कौन सा ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन होगा

ये अपने पास एक्जोलेमा होती है एक्जो लेमा लेमा उसके बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन और अंदर की तरफ नेगेटिव आयन होंगे जबकि ये कौन सी कंडीशन होती है अपने पास पोलराइजेशन वाली कंडीशन होती है पोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के अंदर क्या होगा डीपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन अंदर क्या होगा नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ होंगे जबकि अपने पास एक होता है रिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन देखो पोलराइजेशन पोलराइजेशन वाली कंडीशन ही अगर दोबारा आ जाती है तो उसे क्या कह देंगे रिपोलराइजेशन कहेंगे और पोलराइजेशन में बाहर की तरफ कौन सा चार्ज रहता है पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पे भी बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज रहेगा

तो पे आ जाएगा अपने पास ट्रिपुल्स तो 120 के अंदर थर्ड हो जाएगा वन ट्वेंटी टू एसिडिल कोलाइन एस्ट्रेज एसिडिल एंजाइम है और एसिडिल कोलाइन अपने पास क्या होता है न्यूरो न्यूरोट्रांसमीटर होता है क्या होगा न्यूरो होता है अब इस न्यूरो ब्रेक डाउन करने के लिए जब सिग्नल एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में या फिर एक न्यूरोन से दूसरे सेल्स के अंदर जाते हैं मसल्स के पास जाएंगे तब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए अपने पास एक एंजाइम है कौन एसिटिल कोलाइन जो कि किसको ब्रेक डाउन करेगा कोलाइन को ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पे आएगा अपने थर्ड ऑप्शन वन ट्वेंटी फोर के बारे में डिस्कस करें अपन रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रेजेंट ऑन तंत्रिका प्रेस स्थान कहां स्थित रहेंगे तो होता क्या अपने पास है। जैसे एक अपने पास ये तो वो सिनेप्टिक नोब के ऊपर ही क्या प्रेजेंट रहते हैं रिसेप्टर प्रेजेंट रहेंगे रहें क्या प्रेजेंट रहेंगे रिसेप्टर जिनके थ्रू क्या करेंगे वो सिग्नल को या इम्पल्स को रिसीव करने का काम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे वन ट्वेंटी थ्री के अंदर फर्स्ट ऑप्शन फोर के बारे में डिस्कस करें ओड वन आउट किसी विषम एक अलग है उसको अपने को सिलेक्ट करना है सेरेबेलम पॉन्स मेडुला ये तीनों किसके पार्ट हो जाएंगे अपने पास हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं किसके पार्ट होते हैं ये हाइंड ब्रेन के पार्ट होंगे जबकि जो सेरेब्रम होगा वो किसका पार्ट रहता है फोर ब्रेन का पार्ट रहेगा जो कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ये सेरेब्रम तो 124 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन होगा 126 के किसके बने होते हैं न्यूक्लिक स्मूथ रेटिकुलम अपने को पता है जो, सा होते हैं, जो साइटोन में डेंड्रोन में और प्रेजेंट रहेंगे वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे प्रोटीन का। और अपने को ये भी पता है जो राइबोसोम रहेगा वो भी किसका प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा और रफ एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रहते वो भी प्रोटीन का सिंथेसिसन तो 126 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 126 में 127 के बारे में डिस्कस करें। अलोंग विदोलेमस लिम्बिक सिस्टम इनवॉल्व इन दिन और लिम्बिक सिस्टम फंक्शन हो सकते हैं ठीक है अर्ज फॉर ईटिंग ईटिंग के लिए यानी कि eat, कि खाना खाने के लिए इसका अंदर कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता है रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर ये स्टेटमेंट क्या हो गया सही हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन ये भी क्या हो गया सही हो गया और मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशन होता है किसी भी चीज के लिए उसके लिए भी कौन रेगुलेट होगा अपने पास कौन फंक्शन करेगा और लिम्बिक सिस्टम दोनों एक अकेला होगा जबकि इन तीनों के लिए कौन लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथिलेमस दोनों फंक्शन काम करेंगे तो यहाँ पे अपने पास कौन सा जाएगा? 127 के फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वन ट्वेंटी फॉलोइंगेक्ट रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो अपने को बताना है यहाँ पे इट लाइज एट द बेस ऑफ ये क्या हो गया अपने पास से? सही हो गया मतलब का मतलब क्या होता है अंडर और एपी का मतलब क्या होता है ऊपर की तरफ तो के नीचे जो ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते क्या है कहते हैं अपने कह देंगे. स्टेटमेंट सही है

जो सेंसरी और मोटर न्यूरोन को कंट्रोल करने के लिए आता है सेरेब्रम आएगा अपने पास कौन आएगा जो कि फोर बिन का पार्ट रहेगा इट सिक्रेट सेवरल हार्मोन्स कॉल्ड न्यूरो हार्मोन्स कुछ हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करेंगे वो भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सही है ट्रू है तो यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट क्या है रोंग है अपने पास वन के अंदर थर्ड ऑप्शन वन इन ह्यूमन ब्रेन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड बाय ए सेंट कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासेस थ्रू

और जो फोर्थ वेंटिकल रहेगा वो कहां पे रहेगा मेडुला मेडोलाटा के अंदर प्रेजेंट रहेगा अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अपने पास कौन प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे मिड ब्रेन होगा और मिड ब्रेन से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते है? कहते है। क्या कहते कहते हैं हैं अपन एक्वाडक्ट एक्वाडक्ट कहेंगे एक कहेंगे तो ये अपने पास कौन सा जाएगा यहां पे थर्ड ऑप्शन जाएगा वन ट्वेंटी नाइन के अंदर वन थर्टी के बारे में बात करें आर्बर वाइटिज आर्बर वाइटी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी वो पे प्रेजेंट रहती है ट्री ऑफ लाइफ इन सेरेबेलम किसके अंदर प्रेजेंट रहेगी जो अपने पास हाइंड है, ब्रेन का पार्ट रहेगा उसके अंदर होती है 130 के अंदर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 131 थर्टी वन हाउ डू पैरासिपेथिक न्यूरोल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट की रेट को क्या करेगी ये जो बताया थे मैंने आप लोगों को कि अपने पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा तो सिंपैथेटिक का काम का तो क्या होता है किसी भी एक्टिविटी को इंक्रीज करना और पैरासिंपैथेटिक का किसी एक्टिविटी को डिक्रीज करना जो सिंपैथेटिक होती है सिंपैथेटिक के अंदर मतलब है, लेकिन वो जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में आके वो क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाता है अब पैरासिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है वो किसी भी एक्टिविटी को क्या करेगी कम करेगी तो रिड्यूस बोथ हार्ट रेट को भी क्या करेगी वो डिक्रीज करेगी और उसके कार्डिक आउटपुट होगा मतलब एक मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप होता है वो कार्डिक आउटपुट होता है अपने पास उसकी वैल्यू को भी क्या करेगी वो डिक्रीज करेगी तो वन से थर्टी वन के अंदर कौन सा हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन वन थर्टी टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ मतलब जैसे स्पाइनल कोड की कुछ न्यूरॉन्स होते हैं अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दे आप लोगों ने किस पे इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा वॉल्यूट्री मसल्स पे वॉल्यूंट्री मसल्स पे क्या करेगा वो इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जो सीएनएस होगा सीएनएस के कितने पार्ट होते हैं दो पार्ट रहेंगे कौन कौन से ब्रेन और स्पाइनल कोड और जो अपने पास वॉल्यूंट्री मसल्स होती हैं इच्छे मसल्स होती हैं उनपे कंट्रोल किसका रहेगा स्पाइनल कोड सी एन एस का ही रहेगा तो वो किस पे अटैक करेगा वॉल्यूट्री मोटर इम्पल्स पे काम करेगा वन थर्टी टू के अंदर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा वन थर्टी थ्री फॉलोइंग कलेक्टिवलीम तो जो ब्रेन स्टेम रहेगा वो किस किस से मिलकर बना रहता है मिड ब्रेन से मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन से, से मिलकर बना रहेगा ठीक है और हाइंड ब्रेन का भी इसके अंदर सेरेबेलम वाला पार्ट एबसेंट रहेगा सेरेबेल वाला पार्ट क्या रहेगा एबसेंट रहेगा मतलब इसके अंदर पॉन्स और मेडोलोब्लॉगेटे क्या रहेंगे प्रजेंट रहेंगे तो मेडोलोब्लॉगेटा पॉन्स एंड मिड ब्रेन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा

और दो पोटेशियम क्या रहेंगे अंदर की तरफ आएंगे इस टाइम पे अपने पास एक एटीपी का यूज रहेगा मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो, हो जाएगी कौन सी एक्टिव प्रोसेस हो जाएगी एक एटीपी का मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे क्या होगा यूज होगा कब जब तीन सोडियम बाहर की तरफ जाएंगे और दो पोटेशियम अंदर की तरफ आएंगे तब तो यहाँ पे वन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट वन थर्टी फाइव विच अटैच विद ब्रेन टिश्यू तो अपने की तरफ ड्यूरा रहेगी फिर अरेक्नोइड रहेगी और फिर कौन सी रहती है पायामेटर रहती है अब इसने पूछा गया है के साथ कौन सी अटैच रहेगी तो बात करें अपन ब्रेन टिश्यू के साथ रहती है दोस्तों पायामीटर ये वाली सबसे इंटरनल ये रहेगी तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 135 के अंदर थर्टी फाइव के अंदर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद जय सेल सिंह से।